दोस्तों, अमूमन मोदी समर्थकों द्वारा पूछा जाता है कि 4 जून के बाद क्या बदला। जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं 4 जून के बाद मोदी जी के अहंकार को ठेस पहुंच गई या लोगों में अब सवाल पूछने की हिम्मत बन गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मोदी पहले भी पीएम थे, मोदी जी अब भी पीएम है, बीजेपी की सरकार पहले थी, बीजेपी की नहीं तो देखिए एनडीए की सरकार तो बनी गई। दोस्तों, इस सवाल का जवाब एबीपी न्यूज का कुछ दिन पुराना एक वायरल वीडियो बता रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया में छाया हुआ है। ज्यादा पुराना नहीं है ये वायरल वीडियो, अभी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी कुछ दिन पुराना ही वायरल वीडियो है, जिसमें एबीपी न्यूज की एंकर रुमाना एसआर खान और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की गर्मा गर्म बहस हो रही है। बहस क्या दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भिगो भिगो कर धोना किसे कहते हैं। रुमाना एसआर खान ने प्रेम शुक्ला को बता दिया, मतलब प्रेम शुक्ला के अभी अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्हें कतई नहीं करना है। दोस्तों, बहस हो रही थी सेंगोल को लेकर और एंकर रुमाना एसआर खान, जो न केवल एबीपी न्यूज की एक बहुत अच्छी एंकर है बल्कि मुसलमान भी है, वो बहस कर रही थी, मतलब बहस का नेतृत्व कर रही थी, शो की डिबेट की एंकर थी, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बैठे हुए थे और सांप्रदायिकता को लेकर प्रेम शुक्ला कुछ बात कर रहे थे। तब भी उन्होंने एक बात बोली जो बहुत ही गलत थी। उन्होंने बोला कि सांप्रदायिकता का बुर्का फाड़ दिया। मतलब बताइए, कोई शब्द है ये बोलने के? बुर्का फाड़ने का क्या मतलब है? कल को कोई हिंदू समाज की औरतों के कपड़ों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे कि हिंदुत्व का ये फाड़ दिया तो कैसा लगेगा? कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। बुर्का एक मुसलमान महिलाओं के लिए एक पहनने ओढ़ने वाली चीज है जिसको वो न केवल सम्मान से देखती है बल्कि उनका समाज बहुत सम्मान से देखता है। और हमारे देश में बुर्के पर बैन तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक नेशनल टेलीविजन में बीजेपी के प्रवक्ता ने जानबूझकर इस तरह की घटिया बात बोली तो एंकर रुमाना एसआर खान को बुरा लगा और उन्होंने तगड़ा जवाब देते हुए प्रेम शुक्ला से कहा, ओ बुर्का भी आ गया, अब रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूं, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, रुमाना एसआर खान ने बात तो गलत नहीं बोली, हिंदू मुसलमान से बीजेपी के प्रवक्ता आगे कहां बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? जिस तरह की बातें बीजेपी के प्रवक्ताओं ने इन्हीं चैनलों की डिबेटों में की है दोस्तों, 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, इतनी गंदी बातें, बस अब मां बहन की गालियां देनी बची हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। और नेतृत्व न्यूज चैनल्स के बड़े बड़े एंकरों ने किया, मैं रुमाना एसआर खान की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से एंकर हैं, सुधीर चौधरी टाइप, ऐसे बहुत से एंकर हैं जिन्होंने टाइप ऑफ जिहाद और खास तौर पर जब सांप्रदायिक दंगे भड़के देश के कुछ हिस्सों में, तो एक समुदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ हर दर्जे की नफरत फैलाई। लेकिन देखिए, जनादेश कितनी ताकत देता है, जनादेश कितनी राहत देता है कि ये न्यूज चैनल वाले भी अब बीजेपी के प्रवक्ताओं की जहरीली बयानबाजी हर दर्जे के बाद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। रुमाना एसआर खान को बुरा लगना जायज है दोस्तों, वो उस समुदाय से आती हैं, वो मुसलमान हैं, और उनके सामने कोई बोलेगा कि बुर्का फाड़ दिया तो बुरा लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी हिंदू महिला को अगर उसके कपड़ों के लिए, उसके धार्मिक कपड़ों के लिए बोला जाए तो उसको भी बुरा लगेगा। लेकिन यहां बात यह है कि ये हिम्मत देखिए, ये हौसला देखिए कि जनादेश आपको ये हिम्मत देता है कि आपको अब उस लेवल का डर नहीं है कि क्या मुझे अब बच बच कर बोलना है। ये हिम्मत ही तो है दोस्तों कि सुधीर चौधरी को रोज, लगभग रोज राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ रही है, लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण की तारीफ करनी पड़ रही है, चाहे वो फैक्ट चेक करें, लेकिन अब उनको राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की भद्दी बातें, जिस तरह के बेहद गैर जिम्मेदाराना शोज उन्होंने किए हैं आज से लेकर अब तक, इससे पहले, इसके अलावा फेक न्यूज भी फैलाई है। जी न्यूज के एक शो ने बाकायदा राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैलाई, बाद में माफी मांगी, वो हिम्मत अब नहीं की जा सकती ना दोस्तों। ये जो हौसला है ना, ये गोदी मीडिया को कह लीजिए, न्यूज चैनल्स को कह लीजिए, एंकर्स को कह लीजिए, ये जनादेश ने दिया है। जनादेश ने जो राहत दी है यही है दोस्तों 4 जून के बाद देश को जो मिला है, ना केवल देश को मिला है, न्यूज चैनल्स को भी मिला है। अच्छी बात है दोस्तों कि एंकर्स अब बीजेपी के प्रवक्ताओं की हद दर्जे की जहरीली बयानबाजी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या ये हर एंकर पर लागू होता है? क्या अब भी हर एंकर इतनी हिम्मत रखता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को रोककर उनकी घटिया बयानबाजी पर उनको मुंह पर सुनाए?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।